नमस्कार दोस्तों, आज तक आपने बहुत से महापुरुषों के नाम सुने होंगे। आज मैं आपको श्रवण कुमार के बारे में बताती हूँ। श्रवण कुमार के बारे में आपको ये तो पता ही है कि कैसे उन्होंने अपने अंधे माता पिता को कांवड़ में बिठाकर तीर्थ यात्रा करवाई, लेकिन आप क्या आपको पता है कि इसके पीछे का कारण क्या था? तो चलिए दोस्तों, आज मैं इसके पीछे की वजह को आपको बताती हूँ। कहते हैं कि श्रवण कुमार जब भी काम से वापस लौटते तो वे अपने माता पिता के साथ ही भोजन करते। एक बार की बात है कि जब वो अपने माता पिता के साथ भोजन कर रहे थे तो उनके माता पिता ने थोड़ा सा खाकर थाली आगे सरका दी, और अब तो ये रोज होने लगा। वो सोचते कि खाना तो इतना स्वादिष्ट है, फिर ये भोजन क्यों नहीं करते। एक दिन उन्होंने इसका कारण पता करनी चाही। जब रोज़ की तरह श्रवण कुमार माता पिता के साथ भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी थाली को उनकी थाली से बदल ली। जब उन्होंने उनका भोजन किया तो महसूस हुआ कि ये खाना तो जानवरों के खाने के लायक भी नहीं। फिर वो कुछ सोचने लगे और रसोई घर की तरफ बढ़ गए। उन्होंने वहाँ पर बहुत ढूंढा, लेकिन उन्हें कुछ भी ना मिला। फिर ढूंढते ढूंढते उन्हें वो बर्तन मिली जिसमें दो खाने बने हुए थे। उन्हें तुरंत पता चल गया कि उनकी पत्नी इन्हीं दो खानों वाले बर्तन में उनके लिए और उनके माता पिता के लिए भोजन तैयार करती है। उसी समय उन्होंने घर छोड़ने का निश्चय कर लिया। फिर अपने अंधा माता पिता का कांवड़ में बिठाया और उनको तीर्थ यात्रा करवाने की ठानी और घर से निकल पड़े। तो देखा दोस्तों, श्रवण कुमार बनना इतना आसान नहीं। एक श्रवण कुमार बनने के लिए बहुत से त्याग और बलिदान की ज़रूरत होती है। बहुत से लोग श्रवण कुमार का नाम तो लेते हैं लेकिन वो श्रवण कुमार बन नहीं पाते। तो चलिए दोस्तों, फिर मैं एक नए विषय पर आपसे बात करूंगी। शुक्रिया, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल।